हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए नेपाली वेस्ट थाली बना रही हूँ, तो जिसमें सबसे पहले मैं एक चटनी बना रही हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 टमाटर, मिर्ची, प्याज, लहसुन, और ये होता है टिमुर। ये इस चटनी के लिए कंपलसरी होता है। तो पहले मैं क्या करूँगी, एक प्याज को नॉर्मल कट कर लूँगी। ये टिमुर जो है आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। बट टिमुर में क्या है कि इसका टेस्ट किसी किसी को अच्छा लगता है। अब ये टमाटर है, मैं इसको भी नॉर्मल कट कर लूँगी। आजकल टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाल लाल कलर के। तो मैं एक प्याज, 2 टमाटर लूँगी, और लहसुन मेरे बड़े बड़े थे तो मैंने 2 लहसुन लिया। अगर आपके छोटे लहसुन हैं तो आप 4 लीजिएगा। फिर मैं एक पैन चढ़ा दूँगी, उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। मस्टर्ड ऑयल से चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूँगी इसमें। और इसको गर्म होने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं मिक्स करूँगी, प्याज को मैं बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी। अब उसके बाद मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी, ये 3 से 4 लहसुन होंगे। फिर ये सूखी लाल मिर्च है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए जितना आप खा सकते हैं। ये टिमुर है, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये 2 टमाटर है जो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा चला के इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी कि ये सब थोड़े सॉफ्ट हो जाए ऐसे। अब इनको चलाऊँगी, अब ये ठंडा हो चुका है इस टाइप से। ये मैंने इसको काफ़ी थोड़ा तेज रख दिया था रेस्ट करने के लिए, अब ये ठंडा हो गया है। मैं टमाटर को दबा के देख रही थी, टमाटर भी इसके सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको मिक्सी के जार में ले लूँगी सारा, और ठंडा होने के बाद ही आप इसको पीसें, क्योंकि वो डेंजर हो जाता है अगर आप गरम गरम मिक्सी के जार में पीसेंगे तो। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है, और ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, एक बार आप बना के देखिएगा। नेपाल की फेमस चटनी है ये। अब मैंने इसको पीस लिया, पीसने के बाद इसका लुक ऐसा आएगा। मैं इसको छोटे से बाउल में ऐसे निकाल लेती हूँ, छोटी सी कटोरी या किसी भी उसमें आप जार में निकाल सकते हैं। मैं सारा निकाल लूँगी। अब मैं एक बॉयल सब्जी बना रही हूँ, जो नेपाल में ये जो चटनी होती है काफ़ी तीखी होती है, तो उसके साथ ये बॉयल सब्जी खाई जाती है। तो पहले मैंने कढ़ाई में सूखी लाल मिर्च, प्याज, और आपके घर में जो भी सब्जी है उसका कॉम्बिनेशन जो भी मिलता है तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने मटर डाला है। अब मैं ये आलू को छोटा छोटा करके डाल दूँगी, क्योंकि आलू का मुझे उसमें रखना नहीं है, उसको मैश कर देना है। तो मैं छोटे छोटे करके आलू डालूँगी इसमें। मैंने 3 आलू लिए हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और ये सब्ज़ी हेल्दी भी काफ़ी होती है, क्योंकि ये बॉयल होती है। इसमें सिर्फ एक नमक जाएगा और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जाएगा और पानी। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, जितना मुझे लिक्विड ही चाहिए। ये थोड़ा सा थिक होता है, थिक मतलब थिक ग्रेवी सा बनता है ये। मैं पानी डाल दिया। अब ये मस्टर्ड ऑयल है, ये मैं थोड़ा डालूँगी इसमें, क्योंकि एकदम बॉयल भी नहीं खाया जाता है। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसको कुक करने के लिए रख दूँगी। ये विद इन 15 to 10 मिनट्स में बन जाती है, क्योंकि खाली बॉयल होना होता है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें इसको आलू को थोड़े से मैश कर दूँगी, उससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी हो जाती है। मैं इसको मैश कर दिया। अब मैंने इसमें धनिया डाल देती हूँ, धनिया से काफ़ी अच्छा इसका लुक भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ये बॉयल होती है तो धनिया डालने से इसका टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। अब मैं यहाँ पर एक साग बना रही हूँ, जिसको हम लोग मूली का सूखा साग बोलते हैं। इसको समर में हम लोग गाँव में सुखा के रखते हैं, तो वो उसका लुक ऐसा हो जाता है। मूली का साग है ये। अब मैं इसको पहले पानी में भिगो दूंगी, ताकि जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसको धूप में बहुत सुखाया जाता है और स्टोर किया जाता है ये। क्योंकि नेपाल में बहुत बारिश वगैरह होती है, तो जब जिस टाइम बारिश होती है और ठंड होती है तो सब्ज़ी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसको लिक्विड भी बनाते हैं, ड्राई भी बनाते हैं, बट मैं ड्राई बना रही हूँ। तो मैंने एक पैन में सरसों का तेल डाला, ऑनियन डाला, थोड़ा सा गार्लिक डाला। अब मैं जैसे हम साग बनाते हैं वैसे हम इसको बनाएंगे। सूखी लाल मिर्च है ये, तो मैं इसको तोड़ के डालूंगी, क्योंकि इसमें आप रेड चिली नहीं डालते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे तोड़ के डालने से साग में थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। अब ये मैंने वॉश कर लिया है साग, अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको खाली सूखा सूखा ही भूनूंगी, तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है। जैसे लिक्विड वो सूखी वाली सब्जी हो गई, राइस हो गया, और ये सब्जी और चटनी हो गया, इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है ये। और ये नेपाल की ना वेस्ट थाली है, वेज थाली है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे ये बॉयल राइस है, इनमें कुछ ऑयल वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने राइस रखा है यहाँ पे। यहाँ मैंने बॉयल सब्जी रखी,
अपनी, ये मेरा साग है, ड्राई साग है, और ये तीखी स्पाइसी चटनी। इस चटनी को आप मोमोज के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे खाने के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये देखिए,